नमस्कार, मैं रितेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब निर्णय लिया है, लेकिन फिर जब हम याद करते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, वो बेचने पे आए तो उन्होंने हमारी जितने गैस के एसेट्स थे वो बेच दिया, ऑयल के जो एसेट्स थे वो बेच दिए, रेलवे पे अडानी रेलवे का ठप्पा लग गया, एयर इंडिया बेचने पे लगे हुए बेच नहीं पा रहे हैं, LIC बेचने चल पड़े हैं। कोई भी कंपनी हिंदुस्तान की ऐसी नहीं बची जो कि स्ट्रेटेजिक एसेट था देश का, चाहे स्पेस सेक्टर हो, चाहे कोई सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, पेट्रोलियम सेक्टर हो, रिफाइनिंग सेक्टर हो, कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा जिसमें उन्होंने बेचने का काम न किया हो। अब उन्होंने निर्णय ले लिया है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में JPNIC सेंटर बेचने का। JPNIC सेंटर एक समाजवाद की विचारधारा के एक विरोधा का हमारे देश की उसके नाम पे है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां सीखती, हमारे आने वाली पीढ़ियां सोचती, उससे मार्गदर्शन लेती एक किस तरीके से संघर्ष किया जाता है, आम आदमी के लिए सही गलत का अंतर कैसे किया जाता है, सभी धर्मों को सभी समाज को लेके कैसे चला जाता है, वो सीखने का काम करती है। लेकिन ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की उसको भी बेचना चाहती है। मैं इसका विरोध करता हूँ और इनसे कहना चाहता हूँ कि ये मत बेचिएगा। और इतना और कहना चाहूंगा, जो साथी लेने का विचार बना रहे हो या जो टेंडर डालने का विचार बना रहा हूं, उनको भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 2022 में मार्च में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार हटेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो भी टेंडर लेगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से हम लोग जांच कराएंगे, और जांच कराने के बाद अगर नियम कानून का कहीं उल्लंघन किया होगा तो उस टेंडर को कैंसिल करने का काम भी करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। इस देश के, इस प्रदेश के एसेट्स इस तरह नहीं बिकने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ नहीं बचा है जो हमारे 70 साल 75 साल में हिंदुस्तान ने इकट्ठा किया उसको बेच देना चाहते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।